हे गाइस, वेलकम टू जीके जीके। तो गाइस, इस वीडियो में हम नेहरू युवा केंद्र संगठन में जो आज डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, लेवल कैसा था, गुड अटेम्प्ट्स क्या रहेंगे एंड सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज आपको पता है कि 10 से 12 बजे तक एक शिफ्ट थी एंड दूसरी थी 2 से 4 बजे तक। तो दोनों शिफ्टें के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आसान टॉपिक आया था आज का, वो था रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन था आज का जो बिल्कुल आसान, सबसे ज़्यादा आसान सेक्शन अगर आज का था तो वो था रीजनिंग। आपको पता कि रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन थे एंड गुड अटैम्प्ट जो रीजनिंग में रहे हैं कैंडिडेट्स के, वो रहे हैं 35 प्लस कैंडिडेट्स के हैं जो गुड अटैम्प्ट हैं। तो आपको बता दूँ रीजनिंग में आज क्या क्या आया था। रीजनिंग में साइलोगिज्म के क्वेश्चन आए थे 5, ठीक है। उसके बाद पजल आए थे, 3 पजल थे। एक तो फ्लोर बेसिस था, ठीक है, 1 2 3 ऐसे 9 फ्लोर थे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे इसके रिगार्डिंग, ओके। उसके बाद रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे वो थे ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन थे, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक वो थे ब्लड रिलेशन के से रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन थे पजल से रिलेटेड, जैसे पजल के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, एक पजल था जो कि सर्कल वाइज पजल आया हुआ था, 8 व्यक्ति बैठे हुए थे, ठीक है, कुछ का मुंह सेंटर की तरफ था, कुछ का बाहर की तरफ था, ठीक है, ऐसे पजल आए हुए थे आज के एग्ज़ाम में, बिल्कुल आसान थे। थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इस पजल को बड़ी आसानी से करके आए होंगे, ओके। इसके अलावा थोड़े से मिसलेनियस के क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के जो आज की रीजनिंग आई थी गाइस, वो थी बिल्कुल ईजी, बिल्कुल इजी रीजनिंग आई थी, 30 या फिर 35 ऐसे क्वेश्चंस कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट करके आए हैं। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 40 अटैम्प्ट भी कर लिए इस सेक्शन में, ओके। यानी कि आज का जो सबसे आसान सेक्शन था वो था रीजनिंग। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2, इंग्लिश की बात करेंगे। तो गाइस, इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन थे। इंग्लिश का जो आज का सेक्शन था वो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आज का सेक्शन था। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से टफ थे। कॉम्प्रिहेंशन आया था, पैराजम्बल आया था, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारा कुछ ही टफ था, ठीक है। टफ तो नहीं था लेकिन मॉडरेट टू टफ, थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है। पैराजम्बल एंड RC आप बड़ी आसानी से कर सकते थे। बाकी जो कुल मिला के इंग्लिश में अटैम्प्ट अगर आप कह सकते हैं कुल मिला के इंग्लिश में अटैम्प्ट अगर आप कह सकते हैं, कैंडिडेट्स 15 से लेकर 20 तक गुड अटैम्प्ट हैं इंग्लिश में, ओके। तो अगर आपके अटैम्प्ट 15 या फिर 20 के इर्द गिर्द हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो गाइस आपने बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट किया है। उसके बाद हम बात करेंगे जीएस के बारे में। आपको पता है एक तो जनरल नॉलेज का सेक्शन था, एक जीएस का था। जीएस में भी तकरीबन 10 मार्क्स की जो आई थी वो करंट अफेयर ही आई थी, बाकी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज पूछा गया था फिनलैंड की कैपिटल के बारे में पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था आपको GST पे क्वेश्चंस आए थे थोड़े, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। आपको बता दूं आज RBI के गवर्नर के बारे में भी पूछा गया था, RBI के गवर्नर कौन है इस समय के, उनके बारे में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चंस आज GS के क्वेश्चन में जो सेक्शन हुआ था इसमें आए थे, ठीक है। कुल मिला के GS का जो सेक्शन था वो था इजी टू मॉडरेट था GS का सेक्शन। तो GS में गुड अटैम्प्ट कैंडिडेट्स के आपको बता देता हूँ, गुड अटैम्प्ट अगर आपके 20 से लेकर 25 इसके इर्द गिर्द आपके अटैम्प्ट्स हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो गाइस आपने बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट किया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बहुत ही लेंथी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। अब हम बात करेंगे GK के बारे में। GK में जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे 40 क्वेश्चन आए थे GK में। GK में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे GK वाले सेक्शन में। तो गाइस करंट अफेयर्स जो थी दिसंबर एंड जनवरी मंथ की, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे दिसंबर एंड जनवरी मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। तो कुल मिला के करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा दबदबा था GK वाले सेक्शन पे। तो इसमें जो गुड अटैम्प्ट है वो हैं 20, अगर आप 20 या इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन करके आए हैं तो आपने बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट किया है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वांट की बात करेंगे। तो क्वांट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, वो थे 40। एंड गाइस आज का जो क्वांट था इसमें क्या क्या आया था वो आपको बता देता हूँ। दो DI आई हुई थी, जिसमें एक तो बिल्कुल सिंपल थी, दूसरी थोड़ी सी ट्रिकी थी। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस या कैलकुलेशन है तो आपने वो DI भी कर ली होगी। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे वो थे
नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे जो कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज ढूंढनी थी। तो इसमें 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप बड़ी आसानी से कर सकते थे, बाकी जो 2 बचे थे वो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपने वो भी कर लिए होंगे। उसके बाद नंबर सीरीज के अलावा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे जो कि अप्रोक्सीमेटल के जो बेस पे क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आए थे इस पर। बाकी जो क्वेश्चन थे वो थे मिसलेनियस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो कुल मिला के आज का जो क्वांट आया था एग्ज़ाम में वो था मॉडरेट, ठीक है, आप डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, आप इजी भी नहीं कह सकते, वो था मॉडरेट, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी थे, कुछ थे डिफ़िकल्ट, तो मॉडरेट आप आज का जो क्वांट का सेक्शन था। कुल मिला के इसमें जो गुड अटैम्प्ट होने चाहिए वो 22-25, इसके इर्द गिर्द आपके अगर अटैम्प्ट हैं विद 100% एक्यूरेसी तो आपने बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट किया। ओके, तो गाइस आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया, इंग्लिश हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद रीजनिंग, जीके, जीएस एंड क्वांट, 5 सेक्शन थे आज के एग्ज़ाम में और पांचों हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बात करेंगे गुड अटैम्प्ट की। तो गाइस देखिए, आज के एग्ज़ाम में ओवरऑल जो एग्ज़ाम था आज का वो था मॉडरेट, ओके, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं आप, लेकिन आप इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट था आज का एग्ज़ाम। तो आज की जो आपको जो ओवरऑल अटैम्प्ट्स हैं गुड अटैम्प्ट्स वो मेरे अकॉर्डिंग जो हैं वो हैं 100 and 110, इसके इर्द गिर्द अगर आपके अटैम्प्ट्स हैं तो गाइस आपके अटैम्प्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन विद 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि आपने तुक्के लगा दिए हों, आपने 120 130 140 भी कर लिए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ 110 प्लस अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपने बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट किया है। ओके, आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसके अलावा कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, जल्दी इस पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो उस पर अलग से वीडियो बना के आपको बताऊँगा। ओके गाइस, आपने मुझे समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।